वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की टैली टिप्स में हम सीखेंगे एक्साइज ड्यूटी के बारे में। हमारे यूट्यूब के एक व्यूवर्स ने मुझे बहुत पहले एक मैसेज किया था, मेल करा था, और मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था बनाने को, बट समय नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कोशिश की है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई गई है। आप अपनी क्वेरी के अनुसार भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन सभी पर वीडियो बनाने की। तो फिलहाल आइए बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी के बारे में। तो एक्साइज ड्यूटी हम जो चार्ज करते हैं, जो प्रोडक्शन हमारा होता है और जो मैन्युफैक्चरिंग बेस होती है, उन सभी चीज़ों पर, ऐसी फर्म पर जो मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनको कंज्यूमर को देती है, थर्ड पार्टी को देती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उस फर्म को एक्साइज पे करना होता है। यहाँ पर कुछ एक्साइज ड्यूटी के टाइप हैं कि हमारा बेसिक एक्साइज ड्यूटी BED या स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, जो भी टैक्स चार्ज होगा, इन सभी नौ हमारी टर्म्स हैं यहाँ पर, सात यहाँ पर डिफाइन है और दो और हैं एक्स्ट्रा, उन किसी में से भी आप एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी हम यहाँ पर मान लेते हैं NCCD, जिन्होंने अपना एक बिल दिया था उसी के अनुसार मैं उनका एक बिल यहाँ पर बनाऊंगा एक्साइज ड्यूटी पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्क करेंगे। जब हम एक्साइज ड्यूटी का फिलअप करते हैं डिटेल्स, तो यहाँ से हमसे पूछा जाता है कि डिफॉल्ट नेचर ऑफ परचेज, कि जो परचेज की नेचर है आप किससे कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज डीलर है, यानी कि डायरेक्ट आपने मैन्युफैक्चरर से लिया और किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, तो वो जिसने मैन्युफैक्चरिंग से लिया है वो फर्स्ट स्टेज डीलर है, यानी कि मैं जो परचेज कर रहा हूँ किसी पार्टी से, वो हमारी फर्स्ट स्टेज डीलर में आएगी। या सेकेंड स्टेज डीलर है या मैन्युफैक्चरर है, वो जो भी आपका नेचर ऑफ परचेज है यहाँ से ले सकते हैं। फिर आता है आपका ECC नंबर, एक्साइज कंट्रोल कोड नंबर, इसी तरीके से इम्पोर्टर ECC नंबर, इन सभी के बारे में मैंने यहाँ पर नीचे बताया गया है कि ECC नंबर हमारा एक्साइज कंट्रोल कोड नंबर होता है, जो कि 15 डिजिट का होता है, और शुरू के जो स्टार्टिंग के 10 डिजिट्स होते हैं वो पेन बेस होते हैं, उसके बाद हमारा EM और ED यानी कि एक्साइज मैन्युफैक्चरर है, एक्साइज डीलर है, उसके बाद यूनिक कोड नंबर होता है। देन IEC नंबर हमारा होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नंबर, और उसी में हमारा कुछ कोड और होता है, रेंज डिवीजन और कमीशन रेट, जो कि आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं। हम एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं YN या YP, जो भी आपका एरिया है, हमने यहां पर तेलंगाना सेलेक्ट करा है, और उसके बाद यहां पर उसका जो एरिया लगता है, डिवीजन कौन सा लगता है, वो सारी चीज़ें हम यहां पर डाल सकते हैं। तो ये तो था थोड़ा सा इसका ऑरली, अब हम इसको बात करते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से करेंगे। तो आइए सीधा टैली में चलते हैं इसको प्रैक्टिकली करने के। यहाँ पर हम एक फर्म बना लेते हैं, कन्हैया फर्म, और इस फर्म को बनाने के बाद कंट्रोल ए से हम इसे सेव करा देते हैं। देन यहाँ पर आप चाहें तो बुक बिगनिंग आप चेंज कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टली आप GST रेट डायरेक्ट यहाँ पर IGST लग जाएगा, क्योंकि आप अगर अदर स्टेट से परचेज करेंगे, तो हमने यहाँ से बुक बिगनिंग डेट चेंज कर दी है। आप चाहें तो मैनुअली भी इसको सेट कर सकते हैं। कंपनी बनने के हमें जाना होगा F11 F3 में, और यहां से ले लेना है GST। GST को ऑल्टरेशन करते हुए हमारा जो भी एरिया है वो यहां पर पास कराएंगे। यहां से हम ले लेते हैं गुजरात, हमारी जो फर्म है वो गुजरात में है, और हम जो फर्म परचेज करेंगे वो तेलंगाना से सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी डिवीजन कोड है वो गुजरात के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर पास कराएंगे। यहाँ से हम इसे GST नंबर दे देते हैं, गुजरात का कोड 24, जो भी हम डालना चाहें, एग्जांपल के तौर पे अभी हम ले लेते हैं 1234A1Z3, एंड इसको पास करा देते हैं। पास कराने के बाद हमें यहाँ से ध्यान रखना है एक्साइज को भी हमें यहाँ से यस करना है, और एक्साइज जैसे ही आप यस करेंगे तो फिर आपसे यहाँ पर पूछ लेगा आपकी पूरी डिटेल्स, पिन कोड नंबर, ECC नंबर, वो सारी चीज़ें आप मैनुअली यहाँ भर सकते हैं, और अगर आप यहाँ नहीं भरते तो वो आपसे डायरेक्टली वहाँ पर भी पूछेगा जब आप उसको लेजर स्टो बनाएंगे। तो यहाँ से हम फिलहाल इसको पास करा देते हैं, और पास कराने के बाद बैक आ जाते हैं अपने, और कुछ लेजर्स यहाँ पर अब बनाते हैं, जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर बनाएंगे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पूरन दास, और सेंडरी क्रेडिटर में रखते हुए इसमें हमें ध्यान रखना है स्टेट डालना है, अदर स्टेट से हम परचेज कर रहे हैं, तेलंगाना हमने यहाँ पर ले लिया है स्टेट के अंदर, और GST डिटेल हमें यहाँ से यस करना है। तो तेलंगाना का जो कोड है वो हम यहाँ पर पास कराएंगे 36, जो भी हम लेना चाहें NADEP,
और उसके बाद ये सब देने के बाद हमें यहाँ से पास करा लेना है जीएसटी डिटेल के बाद हमें एक्साइज डिटेल को भी यहाँ से यस रखना है और सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ परचेज। जैसे कि बताया था हम यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट एज डीलर या जो भी नेचर ऑफ परचेज होगा उसके अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ें पास करा देंगे। पास कराने के बाद अब हम डाल देंगे यहाँ पर आईजीएसटी का लेजर। आईजीएसटी हम यहाँ पर पास करा देते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और इसे जीएसटी में लेने के बाद हम इसे पास कराएंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। और यहाँ पर सेस भी लगाएंगे क्योंकि टोबैको प्रोडक्ट है और उस पर सेस हमारा जो चार्ज होगा यहाँ से इसको जीएसटी में लेते हुए पास करा देंगे 96% जीएसटी के बाद हम यहाँ पर सेस को चार्ज करेंगे 96% जो सेस है हमारा। आईजीएसटी तो हमारा 28% लगेगा जो कि टोबैको प्रोडक्ट पे लगता है तो उनके अकॉर्डिंग बिल पर जो सेस है वो 96% है उसी को हम लेते हुए चलेंगे। राउंडिंग मेथड आप नॉर्मल रख देंगे या आप इसको बाद में भी राउंडिंग का एक लेजर बना के पास करा सकते हैं। यहाँ से हमने सेस बना दिया है, आईजीएसटी बना दिया है, पार्टी बना ली है। अब डाल देंगे हम एक लेजर परचेज का और परचेज अकाउंट में लेते हुए यहाँ पे आपको सारी चीजें यस रखनी है जीएसटी क्योंकि हमें यहीं पास कराना है। लेजर्स वाइज में हम पास कराएंगे तो जीएसटी एप्लीकेबल रखते हुए सेट ऑल्टर जीएसटी में आपको यस करना है और ले लेना है परचेज इंटर स्टेट में क्योंकि अदर स्टेट से आप परचेज ले रहे हैं तो आप चाहें तो परचेज के लेजर की जगह आप ले लेते हैं इंटर स्टेट परचेज जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप इंटर स्टेट परचेज करें और चाहें तो उसका 28% का एक लेजर भी आप बना सकते हैं। यहां से हम इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल वापस से रख लेंगे और क्योंकि हमारा जो आईजीएसटी का रेट होगा वो 28% होगा टोबैको प्रोडक्ट्स है। सेस भी हम यहां से डाल देंगे 96% और यहां से गुड्स या सर्विसेज है उसको लेने के बाद जीएसटी के बाद हमें एक्साइज में भी ऑल्टरेशन करना है क्योंकि यहां से हम जो रेट लगाएंगे एनसीसीडी हमारा जो डिटेल है वो हम यहां से एक एक्साइज ड्यूटी का अल्टरनेट पास कराएंगे और यूनिट नंबर्स में रखने के बाद उसे यहां से आपको डाल देना है उसका एक्साइज का रेट जो कि 10% है उसको यहां से पास करा देंगे। ये सभी चीजें पास कराने के बाद हम एक लेजर और बना देंगे एनसीसीडी जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस का है। इसका नेचर है CENVAT आपको लेना है एक्साइज जो पार्ट है इसका और बेसिक एक्साइज ड्यूटी में लेते हुए परसेंटेज आपको नहीं डालना है क्योंकि हम इसे सेट कर चुके हैं। एक लेजर हम यहां पर और बनाते हैं फ्राइट चार्जेस का और उसे हम लेते हैं यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस देन इस पे भी आपको सीधे पास करा देना है। ये सभी चीजें डालने के बाद हमें वो आइटम्स बनाने हैं वो जो टोबैको प्रोडक्ट्स में हमारा मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। हम यहां से ले लेंगे पीसेस और स्टॉक आइटम में अब हम वो आइटम डाल देंगे। जैसे हम जो टोबैको प्रोडक्ट ले रहे हैं वो है कश्मीरी क्वाम। कश्मीरी क्वाम जो पान के अंदर यूज होता है वो टोबैको प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम उनकी परचेजेस कर रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी बाद में। तो इस तरीके के जो हमारे आइटम्स हैं टोबैको से रिलेटेड उन पर हमारा 28% IGST चार्ज होगा और सेस भी चार्ज होगा और उस पर हमें एक्साइज भी चार्ज करना है। तो ये सब चीज़ें आप डालने के लिए सबसे पहले आइटम बना लेते हैं कश्मीरी क्वाम और यहाँ पर ले लेते हैं नंबर 3 50 ग्राम जो कि आइटम है उनके बिल के अकॉर्डिंग। अंडर ले लेते हैं यहाँ पर आपने ग्रुप बनाया नहीं है तो इसके पास करा देते हैं यूनिट्स ले लेते हैं इसकी पीसीज और आपको कुछ चीज़ें नहीं डालनी है क्योंकि आप ऑलरेडी पास करा चुके हैं। सिर्फ आपको एप्लीकेबल रखते हुए सीधे इसको पास कराना है। आपको यूनिट ले लेना है नंबर उसके बाद आपको और भी आइटम्स बनाने हैं 3 आइटम और हैं यहाँ पर कश्मीरी क्वाम नंबर 3 500 ग्राम में इसको भी हम यहां से ले लेते हैं पीसीज में और यहां से नंबर में लेने के बाद इसको पास करा देंगे। 2 आइटम और हमें अभी और बनाने हैं A1 क्वाम हमारा 50 ग्राम में इसको पीसीज में लेने के बाद सीधा पास करा देंगे। यूनिट ले लेंगे इसको भी हम नंबर में उसके बाद हम एक और ले लेते हैं फाइनल हमारा जो है फाइनल A1 क्वाम 500 ग्राम में
तो ये सभी आइटम हम डाल चुके हैं। जो बिल मुझे मिला था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, उसमें ये चार आइटम्स हैं और उन चारों आइटम्स को मैं यहाँ से पास करा चुका हूँ। अब इसकी हम परचेजेस करेंगे पूरन दास से और जो बिल बनेगा F9 के अंदर आपको डालना है। F9 में डालने के बाद चूंकि डेट हम ऑलरेडी सेट कर चुके थे कंपनी बनाते वक्त, तो 1 जुलाई यहाँ पर शो हो रहा है। पार्टी नेम हमें लेना है पूरन दास और इंटरेस्टेड परचेज यहाँ पे वो सारे आइटम्स हमें लेने हैं। सबसे हम पहले ले लेते हैं कश्मीरी क्वाम नंबर 3 50 ग्राम के हिसाब से 150 पीसेस हमने उससे खरीदे हैं और जो एक रेट है पीस का वो है 517, लेकिन एक पीस में 10 पीस आते हैं तो यहाँ पर जो लास्ट में दिखाई दे रहा है 77,550, ये 150 पीसेस के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। क्योंकि हमें 10 पीसेस का एक पेयर बनाना है तो हमें यहाँ पर में जो आपको कॉलम शो हो रहा है वहाँ पे ले लेना है 10 पीसेस। इससे क्या होगा, 10 पीसेस में आपका जो 150 पीसेस यहाँ पर आपने लिया है वो 10 पीसेस के मल्टीप्लीकेशन में उसको काउंट कर लेगा। उसके बाद हमें यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी जो भी हमारा रेट ऑफ ड्यूटी है, आपको यहाँ से पास करा देना है। उसके बाद आपको लेना है दूसरा आइटम कश्मीरी क्वाम 500 ग्राम में 10 पीसेस लेना है और 4,644, और ये जो रेट है ये है आपका 10 पर पीसेस के हिसाब से, तो आपको यहाँ से भी 10 पीसेस ले लेना है। उसके बाद आपका जो भी टैक्सेस है वो कैलकुलेट होता रहेगा। आपको तीसरा नंबर पे लेना है एवम क्वाम अपना 500 ग्राम, उसमें आपका है 750 पीसेस, आपको यहाँ पर भी ले लेना है 210 रुपये के हिसाब से और यहाँ से ले लेना है 10 पीसेस का मल्टीप्लीकेशन में। और इन सभी को देने के बाद हमने यहाँ से अपना आखिरी आइटम डाल दिया है एवम क्वाम 500 ग्राम में, और ये हैं आपके 20 पीसेस की परचेज 1725 रुपये के हिसाब से। और इन सभी पर जो डिस्काउंट है वो आप अगर लगाना चाहते हैं, जिस 13% इस बिल में शो हो रहा है, तो F11 F3 आपको डिस्काउंट कॉलम यहाँ से खोल लेना है। F11 F2 से डिस्काउंट कॉलम यस करने के बाद आप मैन्युअली यहाँ से उसको डिस्काउंट पे क्लिक करते हुए लगा सकते हैं। तो जो भी आपने अमाउंट दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल अमाउंट नीचे आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर चार्ज करना है अपना एक्साइज, तो NCCD है जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है आपका यहाँ से पास करा देंगे। यहाँ पर हमारा 10% क्योंकि ऑलरेडी हमने डाला हुआ था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद आपको दे देना है सेस और सेस भी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। देन आपको ले लेना है IGST जो कि आपका आ गया है यहाँ पर 8,467 रुपये, और फ्राइट चार्ज, अगर आपको रिफंड हो रहा है फ्राइट चार्ज का पैसा तो आपको यहाँ पे माइनस के साथ डालना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर माइनस यूज नहीं करना। तो ये सभी चीजें लेने के बाद हमारा जो नीचे बिल आ जाता है 67,067 रुपये 45 पैसे का। आप चाहें तो 45 पैसे को राउंड ऑफ करने के लिए लेजर बना सकते हैं ऑल्ट सी, आपने एक लेजर ले लिया है राउंड ऑफ जिसे आपने डाल दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इन सभी को पास कराने के बाद आपने मैनुअली यहाँ पर 45 पैसा डाल दिया। तो इस तरीके से आपका जो बिल है वो यहाँ पर यूज हो जाएगा। राउंड ऑफ में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो फ्राइट चार्ज के बाद हमारा ये जो बिल है ये उस के अकॉर्डिंग बन चुका है जो बिल हमें हमारे व्यूवर्स ने दिया था। तो होपफुली उनका क्वेरी में थोड़ा क्लियर हुआ होगा जो भी उनका डाउट था। इस बिल को हम पास करा देते हैं और इसका प्रिंट यूज कर लेते हैं। अब सबसे पहले पेज अप करके हम ओल्ड पीसे इसका प्रीव्यू देख लेंगे, और इस प्रीव्यू में वो सारी चीजें लग चुकी हैं जो उनके बिल के अकॉर्डिंग मुझे डिटेल्स मिली थी। तो अगर आपकी भी कोई इस तरीके की क्वेरी है या बिल्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल पर अपना जो बिल है वो भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।